मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ भाई। ये कोई रेयर चीज़ नहीं है भाई, मैं भाई रेयर है ही नहीं भाई, है ही नहीं भाई, चार चार भी है भाई, है रेयर नहीं है भाई, ये कोई रेयर। तो गाइस अपना ये घर है भाई वो कंप्लीट हो चुका है भाई, आप लोग देख सकते हो भाई, बढ़िया तो लग रहा है भाई, फूल पत्ती भाई। तो हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में भाई हम लोग खेलने वाले दोबारा से माइनक्राफ्ट, और ये अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का पार्ट टू, ऐसे में सीजन टू का पार्ट टू है। और भाई एक छोटे से अनाउंसमेंट के भाई, ये जो मैं खेल रहा हूँ भाई, ये ऑप्टिफाइन में खेल रहा हूँ या पॉकेट एडिशन में थोड़े बहुत ऑप्टिफाइन आते हैं, एक्चुअल में रिसोर्स पैक है जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को FPS में बूस्ट मिलता है, और FPS के साथ इसमें और कोई फीचर्स भी हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर लिख रखा है F1, F1 दबाते ही भाई मेरी इन्वेंट्री वगैरह सब हाइड हो जाती है। और इसके अलावा भाई मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, तो सेटिंग्स में जाके जैसे मेरे को फर्स्ट पर्सन वगैरह में चेंज करना होता है, यूट्यूबर लोगों को तो होना ही पड़ता है, तो यहाँ पे यहीं पे दे रखा है, पूरा का पूरा वीडियो सेटिंग में जाके करना पड़ता था पहले। एंड सेकंड थिंग, और भी इसमें बहुत सारे फीचर हैं, जैसे अगर मैं चेस्ट खोलता हूँ तो चेस्ट खोलने के बाद फिर यहाँ पे ये वाला बटन दबा दूंगा तो थोड़ा शिफ्ट जैसा वर्क करता है, शिफ्ट दबा के कोई भी आइटम को दबाते हैं ना तो चेस्ट में चला जाता है, तो वैसा ही वर्क करता है। तो फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं ये ऑप्टिफाइन का इस्तेमाल करूँ ना नॉर्मल माइनक्राफ्ट ही खेलूँ। नॉर्मल माइनक्राफ्ट तो आपको पता ही होगा कैसा होता है, और इसमें ये भी मिलता है, मतलब जावा की तरह आप वो भी खिसका सकते हो, जैसे स्क्रॉल बार से खिसकता है, बट भाई इसका यूज़ तो है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा, पहला एपिसोड भाई वो वाला भी देख लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जाकर देख लेना। एंड चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में एक खेत बनाया था यार, क्योंकि खाने की कमी हो रही थी, वैसे खाना तो मेरे को नॉनवेज ही है, बट फिर भी भाई मैंने खेत बना दिया, और मैंने एक आयरन का आर्मर बनाया था, थोड़ा गोल्ड का लेगिंग्स इसमें मिक्स है, और बस ये, और यहाँ का छत्ता अपने आप ग्रो हो गया था। तो फिर भाई मैंने इस छत्ते का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक हनी कॉम्ब से ये बना लिया, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई कुछ लोग भाई पूछेंगे ये कैसे करा तुमने। तो यहाँ पे भाई मेरे पास एक शियर है, एंड गाइस रुको, मेरा ये कहना है कि भाई आप अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको शाउट आउट दूंगा, और वैसे ही हमारे कल जो मेरे को मैंने वीडियो डाली थी उसमें जो कमेंट कर रहे हैं लोगों ने, वो है लिखा है जोगेंद्र चौहान ने, ओपी भाई थैंक यू, एंड लिखा है ओपी गेमिंग्स ने, पिंक शिप इज़ नॉट रेयर, ओके भाई। और ऐसे मैं आपको शाउट आउट देता रहूँगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना भाई, ताकि भाई मेरे को अच्छा लगता है यार कमेंट्स करने में आपके, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। और चलो भाई आगे वीडियो में चलते हैं। अगर इसके पास लेकर जाऊंगा, अगर इसको तोड़ूंगा तो इसमें से भाई मेरे को भी मिलेगा, ये होता है ये हनी कॉम्ब, और ये अगर आप इस वाले छत्ते का तोड़ते हो तो फिर आपको मधुमक्खी अटैक नहीं करती हैं, बट अगर आप ओरिजिनल छत्ते का अगर ऐसे तोड़ोगे तो मधुमक्खी आप पे अटैक करेंगे और भागो, अरे तेरी। आप ऐसे रखोगे सबसे पहले तो मेरे को उग के ये चलेंगे, और यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे रखोगे फिर आपको इसको ऐसे रखना है, फिर ऐसे रखोगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा, इसका नाम है बी हाइव। अब जो बी हाइव होता है इसको ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी तरह वर्क करता है, और यहाँ पे मधुमक्खी का एक एक्स्ट्रा घर मिल गया। थोड़ी सी मेरे को और लकड़ी चाहिए, तो अब ये इसको यहाँ पे रखेंगे, और इसको यहाँ पे रखने के बाद फिर इसको ऐसे, फिर ये ऐसे, अब यहाँ पे बी हाइव हमारा चौथा बी हाइव बन गया है। तो गाइस यार अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि अब घर बनाना, और घर बनाने के लिए ना हम इसका इस्तेमाल करेंगे ओक की लकड़ी का, क्योंकि इसी से बढ़िया घर बनता है। और चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे भी ये बन चुका है भाई बी का, भाई कितना इजी हो गया है भाई ये बी फार्म बनाना भाई, अब भाई लेट भाई ले भाई अपडेट्स में तो भाई पूरा इजी हो गया भाई, यहाँ पे भी एक मधुमक्खी का छत्ता आ गया भाई, कसम से भाई ये बहुत तगड़ी बात है। वैसे मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूँ, तो भाई इसका पेड़ तोड़ लेता हूँ, और जब सिल्टा चाहिए तो ये पूरा तोड़ के ले चले। बस एक स्टैक और 18 ये हो चुके हैं, लॉग्स हो चुके हैं ओके, और भाई मेरे को नहीं लगता कि भाई ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं ना यहाँ पर पूरा जंगल ग्रो कर रहा हूँ, जितनी सैपलिंग्स लगा रहा हूँ ना पूरा जंगल उग जाएगा इतने सैपलिंग्स में। हेलो हेलो, एक और भी है भाई पूरा बी फार्म बना हुआ भाई ये पूरा, मतलब मुझे तो लग रहा है कि भाई जैसा भाई ये पूरा जंगल उगेगा तो 7-8 तो भाई बी हाइव मेरे पास आ ही जाएंगे। अरे सिल्ट टच लगेगी इसको तोड़ने के लिए, बट सिल्ट टच जल्दी से इकट्ठा कर लेंगे भाई, हम भाई पूरा बी का सबसे खतरनाक वाला फार्म बनाएंगे हनी का।
गाइस मेरे पास थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉबल स्टोन भी पड़े हैं, तो कॉबल स्टोन भी ले लेते हैं। और भाई कॉबल स्टोन की ज़रूरत तो पड़ेगी यार मैं हमारे को, और क्योंकि स्टोन का घर बनाएंगे बेसिकली, और मैं सोचूंगा कि डिज़ाइन बढ़िया हो, और ना इसकी लेयरिंग जो होगी भाई मैं इससे करूँगा ओक से, कि कितना बड़ा घर बनाना है। और पहली बात तो भाई डिसाइड करो कि कहाँ बनाना है, मुझे लग रहा है कि भाई इधर ही बनाना ठीक है। तो थोड़ा सा ना मेरे को इसको ये वाला जो एरिया है भाई इसको फ्लैट करना पड़ेगा, और मेरे पास शवल तो पड़ी है, तो शवल से भाई जल्दी से इसको फ्लैट करते मिलता हूँ आपसे। तो गाइस मैंने थोड़ा बहुत इसको फ्लैट कर दिया है जितना मेरे से हो सका, और भाई मेरे ख्याल से इतना जितना मैं छोटा घर बनाने वाला हूँ उतने तो आ जाना चाहिए। तो मैं इसको इतना ब्लॉक तो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, और चार ब्लॉक रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ है, और चार ब्लॉक, और सोच रहा हूँ कि डबल फ्लोरिंग का घर बनाएंगे। और सबसे पहले तो ना मैं इसका पिलर खड़ा कर लेता हूँ। अबे यार थोड़ा सा मेरे को इसको भी फ्लैट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इतना इतना तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और इधर से ना मैं इसको नाप लेता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाना का सोच रहा हूँ, बस इतना ठीक रहेगा, हाँ बस इतना ठीक रहेगा, बट भाई मेरे लॉग काफ़ी ज़्यादा जाने वाले हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉक्स की कमी पड़ गई, लॉक्स तो ठीक है अपने पास, और मेरे ख्याल से इसको डबल फ्लोर का बनाएंगे तो लॉक्स की कमी पड़ेगी, पहले सिंगल फ्लोर तो बना ही देते हैं, बट यहाँ पे स्टोन की ज़रूरत ज़रूर कमी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टोन मेरे को फार्म भी बनाना पड़ेगा, इन्फिनाइट स्टोन जनरेटर, बस लावा और पानी तो है ही अपने पास, लावा पूल तो वहीं पर है। तो गाइस यार यहाँ पे अपना एक घर तो बन चुका है, बट इसके अंदर अपने को वही रहने सहने की जगह भी बनानी पड़ेगी, ऊपर से रूफ़ भी कंप्लीट करनी है, और तो थोड़ा बहुत ना मैं इसकी बड़ी विंडोज़ करूँगा। तो ये भाई मैंने इसको चार ब्लॉक की हाइट दी है, और ना इधर से मैं पूरा का पूरा इसकी विंडोज़ निकाल दूँगा। एक डोर बना लेते हैं, डोर भी हम ओक का ही बनाएंगे, क्योंकि भाई पूरा का पूरा अगर घर हम ओक का बना रहे हैं तो फिर डोर भी ओक ही का बनाएंगे। इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, चलो एक कुछ एक्स्ट्रा भी बन गए। तो और इधर ना हम एक काम करते हैं, भाई थोड़ा डिज़ाइन बढ़िया होना चाहिए, तो इधर से हम ये कर देते हैं ताकि डिज़ाइन बढ़िया हो जाए अपना। कोल की ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअली, भाई मेरे पास कोल है तो भाई मैं क्या, भाई मैं क्या पागल हूँ, भाई मेरे पास कोल पड़ा है, भाई मैं पागलों की तरह भाई क्या कह रहा हूँ, कोल माइनिंग पर जाना पड़ेगा, मैं यही मैं जाने ही वाला था तो मेरे को याद आया भाई कोल तो पड़ा है भाई मेरे पास। तो दो टॉर्चेज हम लगाएंगे इधर, दो टॉर्चेस इधर, और ये वाली दीवार थोड़ी बड़ी है तो इधर एक, इधर एक, इधर एक, टॉर्चेस की भाई कोई कमी नहीं होने देंगे, और ऐसे, और दो टॉर्चेस इधर, और इधर भी एक लगा देंगे, एंड इधर भी एक लगा रहे हैं। मेरे को लग रहा है थोड़ा भाई मैंने उस तरफ से ज़्यादा कर दिया, इस तरफ से कम कर दिया, एक्चुअल में इधर दरवाज़ा कहाँ से आना चाहिए, यहाँ पे एक दो, इधर इधर लगा देते हैं दरवाजे, और इधर लगाने से पहले ना इधर दो प्लैंक हैं तो दो प्लैंक इधर लगा देते हैं, और इधर से लगाएंगे हम दरवाजे, इधर से बंद कर देंगे। अब देखो ना, अब भाई बिल्कुल सेंटर में है, इधर कितने ब्लॉक्स हैं, एक दो तीन चार, और इधर एक दो तीन चार, हाँ देखो अब ये सेंटर है भाई पूरा, पहले एग्जैक्ट सेंटर नहीं आ रहा था उसलिए भाई थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, तो अब इधर टॉर्चेस भी लगा देते हैं। भी कंप्लीट नहीं करी है तो जल्दी से रूफ भी कंप्लीट कर लेते हैं, और इसका सेकंड फ्लोर भी बनाना पड़ेगा, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि वो कभी और बनाएंगे, अभी तो भाई जल्दी से इसकी रूफ कंप्लीट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे थोड़े से प्लैंक्स बना लेते हैं, मेरे पास भाई प्लैंक्स की कमी पड़ने वाली है वो तो मुझे पता है, और इधर ना एक प्लैंक्स रख देते हैं भाई यहाँ पे, भाई प्लैंक तो हैं भाई, प्लैंक्स की कमी होने वाली है तो भाई मेरे को दोबारा से भाई खोदना, वो लॉक्स के इकट्ठे करने जाना ही पड़ेगा, तो खैर जितने भी प्लैंक्स हैं भाई वो लगा तो देते हैं।
मैं ग्लास लगा देता हूँ, तो ग्लास लगा के थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मतलब गाइस, भाई मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, मैं आज के बाद मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। भाई ये कोई रेयर चीज़ नहीं है भाई, मैं भाई रेयर है ही नहीं भाई, है ही नहीं भाई, चार चार भी है भाई, है रेयर नहीं है भाई, ये कोई रेयर नहीं है। कोई बात नहीं, सो जाओ तुम। तो गाइस अपना ये घर है भाई वो कंप्लीट हो चुका है भाई, आप लोग देख सकते हो भाई, बढ़िया तो लग रहा है भाई। फूल पत्ती भाई घर के सामने आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा उधर कर देता हूँ साइड में। और ना भाई मेरे फार्म भी भाई मेरे घर के बिल्कुल सामने है, तो भाई फार्म भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। फार्म को भी भाई मैं थोड़ा सा साइड कर दूंगा, मैं घर बनाने के बाद घर को तो हटा नहीं सकता हूँ, और फार्म को ज़रूर हटा सकता हूँ, तो फार्म को साइड में कर दूंगा। और ये फूल पत्ती वगैरह यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, क्योंकि बीज वगैरह अच्छे से अपना शहद जमा कर पाएँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज की वाली वीडियो में भाई सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और भाई कमेंट करके बताना कि भाई मेरे को शेडर्स में खेलना चाहिए या फिर भाई मेरे को ऑप्टिफाइन हटा के शेडर्स में खेलना चाहिए, क्योंकि भाई शेडर तो बहुत तगड़ा है भाई, मैंने डाउनलोड करा है, बिल्कुल अभी अभी डाउनलोड करा है। और भाई बिल्कुल जावा एडिशन में जैसे शेडर चलता है ना, रे ट्रेसिंग वाले, वैसे ही शेडर है। देख लो भाई, परछाई वरछाई आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल ख़तरनाक शेडर है। तो भाई ये लगा के खेलूँ या फिर मैं बिना ऑप्टिफाइन के लगा के खेलूँ, तो वो आप कमेंट करके बताना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक बाय बाय। और या बाय बाय।